दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन जो है, जो पिछड़ी जातियों का है, और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए श्री भगवान ठाकुर जी हैं। श्री भगवान ठाकुर जी अभी नंदलाल सिंह कॉलेज, जो कि छपरा में है, जैतपुर दाऊदपुर एक जगह है जो छपरा से 18 किलोमीटर दूर है, वहीं पे भगवान जी फिलॉसफी के वहाँ पे प्रोफेसर हैं। और मैं भगवान जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, 7-8 सालों से जानता हूँ कि जब ये पोस्टडॉक जो हैं जेएनयू में कर रहे थे, यहीं पे कर रहे थे। इनका डिपार्टमेंट बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था वहाँ पे, और जेएनयू के एक बड़े ही नामी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के एम चिनॉन, उनके अंदर में इन्होंने काम किया। लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि भगवान जी ने बहुत संघर्ष झेला है और बहुत जूझ के, और बहुत कहिए कि समाज के बहुत ही, जहाँ पर शिक्षा और बहुत सारे आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, इसके बावजूद भी ये लगातार पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बीए की पढ़ाई उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से की है फिलॉसफी में, एमए उन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से की, पीएचडी उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में की। और देखिए पीएचडी का टॉपिक कितना अहम है इनका। पीएचडी का टॉपिक है समाज दर्शन को महात्मा ज्योतिबा फूले का अवदान। मतलब महात्मा ज्योतिबा फूले, जो कि अंबेडकर साहब से भी पहले महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक थे, जात पात के खिलाफ उन्होंने बोला, और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फूले, ने सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया, और शिक्षा से ही वंचित रख कर पिछड़ों को, दलित को, और जो भी गरीब तबका है उसको, समाज का जो ऊपर बैठा हुआ लोग है उसको, उसके मानव अधिकार से, उसके हकूक से दूर रखा हुआ है। तो ज्योतिबा फूले पे भी बात करेंगे। और ज्योतिबा फूले के ऊपर देखिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी, लेकिन बहुत सारे हिंदी पट्टी के जो लोग थे, बहुत ज़्यादा उनका उतना प्रचार नहीं हो सका जितना कि महाराष्ट्र और बाकी चीज़ों में हुआ। और पीएचडी जो है वो भी कोई इससे कोई कम अहम टॉपिक नहीं है, जो सॉरी पोस्ट डॉक जो उन्होंने जेएनयू में किया, पीएचडी के बाद जो पोस्ट डॉक किया वो था बिहार में अति पिछड़े वर्ग की राजनीतिक भागीदारी, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट यू कुड से, ऑफ बिहार। तो भगवान जी, मुझे तो लगता नहीं है कि मैं आधा एक घंटे में आपकी सारी बातों को, आपसे सारे मेरे सवाल पूरे हो पाएंगे, लेकिन आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपने बात की जी। तो भगवान जी, सबसे पहले कहाँ से शुरू की जाए, आपके पीएचडी के काम से शुरू करते हैं। थोड़ा आपने कहा ना कि समाज दर्शन को महात्मा ज्योतिबा फूले का जो अवदान, जो कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने जो समाज को दिया, जो बातें कहीं कुछ बताइए हमारे, खासकर जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भी फूले के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते जी। महात्मा जो ज्योतिबा फूले का जोर से बड़ा, महात्मा ज्योतिबा फूले का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, वो था कि जो जाति व्यवस्था का जो जड़ था समाज में जी, उस पर उन्होंने फोकस किया था जी। वो सैद्धांतिक, जैसे अंबेडकर का हम पढ़ते हैं जी, तो उनका सैद्धांतिक रहता है, जैसे वो वेदों के में क्या है, ऋचाओं में क्या है, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने जो कहिए कि कल्चर वाला जो है उनका, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में समाज में जो जाति कहाँ वर्क कर रहा है, कैसे लोग उससे पीड़ित हैं, उसका सबसे अच्छा विश्लेषण जो है वो ज्योतिबा फूले ने किया। थोड़ा और खोल के बताइए, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे उनका जो किताब, जैसे गुलामगिरी है, गुलामगिरी है एक है ब्राह्मणाचे कसब जी, किसान का कोड़ा जी, उनका तो ये छोटे छोटे हैं बुकलेट, लेकिन उसमें उन्होंने हर ढंग की बातों को रखा है। जैसे आपका जो गुलामगिरी है, गुलामगिरी के बारे में, हाँ, गुलामगिरी जो है उसमें सबसे बड़ा जो है, जो दशावतार जो है, विष्णु का दशावतार कहा जाता है, उसकी उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या करके बतलाया है कि जो ये दशावतार की जो कल्पना की गई है, ये वर्ण व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए, आ उसको माने उस पर सवाल न उठाया जाए, चाहे कोई उस पर उसका विरोध न करे, इसलिए विष्णु के अवतार से जोड़ दिया गया, माने ब्रह्मा से, मतलब ईश्वर से। आप ये कह रहे हैं, हाँ, कि फूले साहब ये कह रहे हैं
कि जो भगवान विष्णु का जो इस्तेमाल या जो उनके आसपास में जो पुराण जो गढ़ा गया जो ऊपर बैठे हुए लोगों ने जो गढ़ा उन लोगों ने क्या किया कि समाज के अंदर में जो उनकी विचारधारा थी उसी को सही साबित करने के लिए अपनी बातें विष्णु जी के मुंह से रख दी। हाँ, उन्होंने वो गढ़ा विष्णु का उनका यही कहना था कि मैंने उन्होंने यही कहा है कि विष्णु के रूप में उन्होंने गढ़ा और उसके कमल के फूल से वो ब्रह्मा को पैदा करते हैं जी। और फिर ये ब्रह्मा जो है वो संसार की रचना करता है, चार वर्णों की रचना करता है। ये जो है पूरी तरह से कपोल कल्पना है और बिल्कुल गलत चीज़ है जी। ये मैंने इसका निराधार चीज़ है, ये कहीं कुछ मतलब ये कह रहे हैं फूले जी, कह रहे हैं कि साइंटिफिकली देखेंगे और रैशनल तरीके से देखेंगे, हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो इसका आधार नहीं मिल पाएगा जी। उनका कहना था कि ये जो गाढ़ा ही गया इसका आधार कहीं है ही नहीं साइंटिफिकली, क्या मतलब ही नहीं साइंटिफिकली तो कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, साइंटिफिकली तो वर्ण व्यवस्था का कोई आधार नहीं जी, है जी, जी, जी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से भी उनका कहना ये कहीं कुछ था नहीं। हाँ। वो खुद कहते कि जो विष्णु जो था, जैसे ब्रह्मा जो था वो ईरानी आर्यों का उनका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि जो आर्य जो थे वो ईरानी हैं, ईरान से यहाँ आए हैं, आ उन्होंने ये सब गढ़ा है अपनी, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ के जो निवासी थे मूल निवासी उनको उन्होंने पराजित किया और उनको दास बना लिया, आए अपनी एक व्यवस्था बनाई कि उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे, वो तो संख्या में कम थे और उनके खिलाफ में कोई आवाज़ न उठाए, हमेशा हमेशा के लिए उनकी सत्ता बनी रहे, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, फिर उसमें जाति आधारित बना दिया और सबको लोगों को जो था यहाँ के जो लोग थे बहुत बड़ी संख्या थी उनको जातियों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया और हिजमनी बनाने के लिए उनको नॉलेज से दूर रख दिया। हाँ और अपने अच्छा उसमें और क्या था कि वो तो शिक्षा से वंचित रख दिया, कहा कि इनको शिक्षा की जरूरत, मैंने इनकी शिक्षा की योग्यता नहीं, इनको शिक्षा ना दी जाए। दूसरी है कि फूले का ये भी कहना था कि जो दलित जो अछूतपन जो आया तो उनका था कि अछूतपन जो जिन्होंने आर्यों से ज़्यादा कट्टरता निभाया, मैंने विरोध किया उनका, उनको समाज से काटने के लिए, मैंने उनको दंडित करने के लिए उन्होंने अछूतपन की व्यवस्था की। मैंने कहने का मतलब अछूत वो लोग हैं जो ब्राह्मणवाद का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे जी जी जी, जी मतलब गैर बराबरी के खिलाफ। हाँ, मैंने अपने जो उन पर जो थोपा जा रहा था व्यवस्था उसके खिलाफ जो मैंने बुलंदी से लड़ते रहे, सबसे ज्यादा विरोध किया उनको, उसको उन्होंने दलित बना दिया, अछूत बना दिया, मैंने क्या समाज से बहिष्कृत कर देना, जैसे आज भी दंडित करने का मतलब समाज से बहिष्कृत कर देना। अब समाज से बड़ा जी जी, समाज से बाहर रख देंगे तो एक दलित इंटेलेक्चुअल हमसे बता रहे थे कि बहिष्कृत करने का बहुत ही बड़ा बुरा असर उन पर पड़ता है। हाँ? जैसे अगर आप कोई मोदी की दुकान कोई हो या किराना परचून की दुकान बिहार में होता है तो अगर आप देखेंगे सामान खरीदने होगा तो कोई स्वर्ण जाति की दुकान में जाएगा खरीदने के लिए, लेकिन अगर कल वो दुकान खोले तो उनके दुकान पे कोई नहीं जाता है। यानी अछूत प्रथा जो है उनका इकोनॉमिक बहिष्कार भी है, इकोनॉमिक बहिष्कार भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, क्योंकि वो कहीं कल्चर में वो आते नहीं। आज भी बहुत सारे गाँवों में जो पुरोहितगिरी है तो उनका नहीं होता, पहले जो था वो मुर्दों को जलाते थे, अपना जलाते नहीं थे, गाड़ते थे, क्योंकि उनको नहीं जलाने दिया जाता था कि उससे प्रदूषण फैलेगा, इस टाइप का सोच जो है। तो ये मैंने तो हर ढंग का हो गया उनका, तो बहिष्कार का मतलब हर ढंग से। हाँ, तो आपने कहा कि शिक्षा से वंचित रखो, शिक्षा से वंचित रखो, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, इस टाइप से मैंने वो उनका भी। अच्छा, तो एक चीज़ आप बताइए कि आपने जो मतलब गुलामगिरी के अंदर में जो फूले जी जो कह रहे हैं कि बाहर से जो आए आर्यन जो लोग आए और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की, यहाँ पे लोगों को पराजित किया और उसके बाद अपनी हेजमनी को, वर्चस्व को बनाने के लिए पुराणों का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया। नहीं, उनका कहना है कि इसको गढ़ा उन्होंने, गढ़ा गया नाम दिया गया पुराण वेद और शिक्षा से भी वंचित रखा गया। लेकिन अम्बेडकर जी के अंदर में देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर ही आता है। मैं भी सुनता हूँ कि जब मूल निवासी लोग और ये लोग कहते हैं कि नहीं ये बाहर के लोग हैं, आर्यन के लोग हैं, तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि नहीं वो अम्बेडकर का सहारा लेते हैं और उन्हें अम्बेडकर कहते हैं कि अम्बेडकर ने आर्यन थियरी को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो ये कैसे हम लोग, मान लीजिए हम सामाजिक न्याय के लोग हैं तो ये दो अलग अलग विचारधारा को कैसे लेके चले? ना ना, वो तो है कि मैंने दोनों की अलग अलग सोच है, उनका अपना ओपिनियन है। जैसे ये नहीं मानते कि यहाँ आर्य जो हैं वो बाहर से आए हैं, यहाँ के जो दलित हैं चाहे पिछड़े हैं वो आर्य नहीं हैं।
रेस एक ही मान रहे हो? एक ही मानते हैं अम्बेडकर, लेकिन फूले वे नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है कि क्या, अगर दोनों आपसे पूछा जाए कि कौन सी बात ज़्यादा सही लग रही है और क्या दोनों महात्माओं ने अलग अलग बातें क्यों कही? नहीं, ये तो हिस्ट्री की बात है, ये इसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा कि इस पर मैं इसका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी का। और एक सवाल और बताइए, बहुत लोग फूले साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, कि ब्रिटिश एम्पायर जब आई थी और उस ज़माने में जो बातें ये बोल रहे थे, मतलब फूले साहब जो बोल रहे थे, वो क्रिश्चियन मिशनरी की बातों को सुन के अपने शब्दों में हिंदू वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे और भारतीय समाज को कमज़ोर कर रहे थे। उन्होंने कई बार कहा कि आप जाति व्यवस्था को कहिए कि गलत है, वेद की जो उन ऋचाओं को कहिए कि गलत है, जो वर्ण व्यवस्था को सही सिद्ध करता है, उन ग्रंथों को कहिए कि गलत है। उनका कहना था कि जो ग्रंथ हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रख रही हैं, चाहे जात समाज में विघटनकारी तत्व को प्रमोट कर रही हैं, तो उनको आप गंगा में डूबा दीजिए। उनका कहने का मतलब है कि उनको आप हटाइए, डिसोन कर लीजिए और फिर हम लड़ते हैं। और देश की आज़ादी उनका था, मानना था कि अंग्रेज यहाँ रह ही नहीं सकते, यदि यहाँ जाति व्यवस्था न हो, लोगों में विभाजन न हो, लोग मिल जाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, तो कोई ताकत विदेशी अगर यहाँ सत्ता ग्रहण कर ही नहीं सकती। ये बहुत ही अहम सवाल उठा रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो दलित बहुजन चिंतक थे वो कहते थे कि देश की आज़ादी आप लीजिए, लेकिन इस देश की जब आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद भारत जब हो जाएगा, तो उसमें हमारे लिए क्या अधिकार होंगे, वंचितों के लिए क्या उनके अधिकार मिलेंगे, समाज में जो कुप्रथा है इसको कैसे दूर किया जाएगा? ना, उनका कहना था कि आप समाज से जो जाति व्यवस्था है, जो कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ में आप आवाज़ उठाइए, आप उनके खिलाफ में मूवमेंट करिए, अंग्रेज खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि बाद में चल के, पहले कांग्रेस को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें सोशल रिफॉर्म्स की बातें बड़ी उठती थी, लेकिन बाद में जब ब्राह्मण तबका बहुत ही कांग्रेस पर हेजमनाइज हो गया, तो वो पहले से ही था ना। उन हम देखते हैं कि जो गरम दल और नरम दल जो आया, तो गरम दल का तो यही था ना कि मैंने हम केवल स्वतंत्रता पर बात करेंगे, सोशल जस्टिस वाला जो बात को नहीं करेंगे, उस पर नहीं करेंगे, या उनका पूरा फोकस था इसी पर झंझट। तो मतलब आपकी बात को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बार दलित बहुजन चिंतक जो हैं, जब वो सामाजिक न्याय का सवाल उठाते हैं, जो सोशल डिग्निटी का सवाल उठाते हैं, तो उनको समझा जाता है कि अंग्रेजों की जबान बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग कभी ये नहीं झांकते हैं कि जिस समाज व्यवस्था के वो मुखिया बने हुए हैं, जिसके वो ठेकेदार बने हैं, वो 85% 90% लोगों के साथ मतलब कितना बुरा सलूक कर रहा है। हाँ जी, वो तो है, वो तो उनका ये भी कहना था। फूले एक ढंग से अंग्रेजों की कहीं कहीं प्रशंसा करते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि अंग्रेज आए तो यहाँ उनको लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला जी, लोगों में जागरूकता फैली, जो सामाजिक जो भेदभाव है उसको जानने समझने का जो जरिया मिला वो अंग्रेजों के किताबों के पढ़ने से, चाहे हमको शिक्षा मिला तब ना आदमी वो। और सवाल है कि अंग्रेजों की तारीफ करने की बात या अंग्रेजी हुकूमत से उम्मीद लगाने की बात सिर्फ ज्योतिबा फूले तक ही महदूद नहीं है। मैं अभी विपिन चंद्रा की, प्रोफेसर विपिन चंद्रा की भी किताब पढ़ रहा था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो उसमें जो अर्ली जो मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो मॉडरेट्स थे, उनको भी बहुत उम्मीद थी कि ब्रिटिश एम्पायर उनको बहुत इंसाफ दे देगा, लेकिन ये बातें भुला दी जाती हैं। जो और समाज सुधारक थे उन्होंने भी प्रशंसा की है, जैसे राजा राम मोहन राय, चाहे और जो हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के कदम को सराहा है कि लोग वहाँ यहाँ करके उन्होंने शिक्षा फैलाया। एक चीज़ बताइए, मतलब उत्तर भारत जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो यहाँ पे खासकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी लोहिया जी और कर्पूरी जी, बहुत सारे समाजवादी चिंतक लेखक सब लोग रहे हैं, एक आंदोलन भी तेज रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि लोहिया के मतलब प्रदेश में, लोहिया के लैंड में फूले जी उतने आगे नहीं बढ़ पाए, फूले जी की बातें उतनी नहीं फैल पाई जितनी गांधी जी की फैली। कहाँ तक ये बात सही है? तो वो तो सही है ना, क्यों नहीं फैली? तो फिर
नहीं तो उनका जो जरिया वो जैसे गांधी को प्रोजेक्ट किया गया, सही बात ये है, मुझे भी लगता है कि गांधी को प्रमोट किया गया एक ढंग से, सोशल मूवमेंट जो था बैकवर्ड का उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको मैंने नीचे पीछे खिसकाने के लिए, क्यों गांधीवाद जो था ब्राह्मणवाद का सॉफ्ट चेहरा सामने लाता, बिल्कुल सही कहा है जी। वो वर्ण व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहते हैं और कहते हैं कि सामाजिक न्याय होगा। हाँ, वो कैसे होगा, तो कैसे होगा जी जी जी। तो मैंने तो इसीलिए कि उन्होंने एक रास्ता दिया ब्राह्मणवाद को जो अभी तक बना, मैंने जो उच्च नीच समझ में, मुझे भी समझ में था ये लोहिया का, लोहिया जी का जो आंदोलन है ना, तो लोहिया देखिए, लोहिया का आंदोलन पढ़ने लिखने के बाद भी वो गांधी जी से इतना क्यों चिपक रहा है। लोहिया तो खुद कहते थे कि मैं डेढ़ व्यक्ति से प्रभावित हूँ, तो लोहिया कौन कौन जरा बता दीजिए भाई, एक गांधी का एक और नेहरू से आधा, अच्छा तो डेढ़ वो तो खुद कहते थे उनका हम लोग किताब पढ़ा, अच्छा तो उनसे राजनीतिक रूप से ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, तो लोहिया में भी मतलब कमी माने, तो मतलब वो तो माने फूले जी कब, मतलब आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया में किनके मतलब असर में थोड़े बहुत जानने लगे, आप कैसे जाने, मैं तो जब बिहार में था तो मैं फूले नहीं जाना, मैं भी एमए तक पढ़ा तो नहीं जाना, मैं जब पीएचडी करने के लिए गया जी तो पता चला कि मैंने मुझे सोशल फिलोसफी में काम करना है, जी 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 लोगों ने कहा कि सोशल फिलोसफी नया है आपको काम करना चाहिए, तो फिर भाई ढूंढने लगा कि सोशल फिलोसफी में कौन है, क्या किया जाए नया चीज, तो मुझे पता चला कि फूले बहुत फूले जी भी हैं, मुझे कौन बताया ये प्रोफेसर जो पटना के थे मेरे बाद में सुपरवाइजर बने जी, नाम बता दीजिए उनका भी, रामाशंकर आर्य, रामाशंकर आर्य जी कहीं कोई फूले जी भी हैं, हाँ डॉक्टर रामाशंकर आर्य प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी के, वीर कुंवर सिंह के मैंने वीसी भी रहे, प्रो वीसी जो अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि फूले को जानते हो क्या सर, तो मैंने कहा कि नहीं सर, अच्छा पूछा तो कि फूले को जानते हो क्या, हाँ कि फूले को तो अरे बहुत बड़ा सोशल फिलोसफर हुए हैं, अच्छा से उन पर अच्छा लगे तो तुम काम कर सकते हो, तो कहे कि ठीक है मुझे, मैंने उनके बारे में जानकारी, तो उसके बाद कहां से किताब, तो उन्होंने ही मुझे किताब प्रोवाइड किया अपने यहाँ से, नहीं गुलामगिरी नहीं, फूले का दो संस्करण है, विमल कीर्ति का, अच्छा विमल कीर्ति क्या, अच्छा मैंने तो वो जीपी देशपांडे वाली पढ़ी है, नहीं वो फूले का पूरा माने उन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, फूले के मौलिक ग्रंथ का, अच्छा। जो मराठी में है उसका अनुवाद है ये, अच्छा, राधा तो गुलामगिरी, मतलब गुलामगिरी मराठी में लिखी गई है, मराठी में लिखी, अच्छा। गई है और उसका अनुवाद आपको मिलता है, तो उसका राधा कृष्ण पब्लिकेशन से दो भाग में फूले वांग्मय प्रकाशित है, फूले का संपूर्ण वांग्मय, तो उसको मैंने पढ़ा, उसके बाद में मेरी परिचय हुई है रुचि तो जगी, मतलब पढ़ने के बाद तो मैं भी पढ़ा हूँ तो थोड़ा मैं भी हिला हूँ, हाँ, तो हिले कि नहीं, हाँ हिला, मैं सोचता था, सोचने लगा कि भाई इतना यदि आदमी उस समय जिस समय आदमी सोच नहीं सकता मतलब 1800 जब कार्ल मार्क्स साहब 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे, उस समय उन्होंने जमाने में स्कूल खुल गया था वहाँ पे 48 में उन्होंने पहला स्कूल खुला था, तो वो मैं दंग रह गया कि मैंने इतना जागरूक आदमी उस समय ये देख सकता है कि शिक्षा को इतना महत्व देता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है पति पत्नी दोनों का, परिवार पिता जान से मारने की मैंने पिता घर से निकाल देते हैं सामाजिक दबाव में, फिर भी वो आदमी शिक्षा का महत्व समझता है, तो इतना बड़ा जागरूक आदमी, अच्छा एक चीज़ बताइए, इतना मैंने वो जो देवी देवताओं के बारे में जो जो बातें कही आज के ज़माने में अगर आपको कोट करेंगे तो आपकी पिटाई भी कहीं हो सकती है, माहौल इतना ख़राब है, वो हाँ वो जी। उन्होंने जिस ढंग से लिखा जी, यदि आज उसको लिखा जाए तो बहुत सारे विरोध खड़े हो जाएंगे, तो मतलब कहने का मतलब समाज हमारा जो है ना और भी ज़्यादा नैरो माइंडेड होते चला जा रहा है, नैरो माइंड होते चला जा रहा है, क्या कहते माहौल वैसा बनाया जा रहा है कि मैंने जैसे मतलब कोई सुधार, हाँ सुधार की बात करने का मतलब है कि आप किसी को आस्था, जो आस्था वाला है ना, हाँ, हाँ। कि आस्था को चोट पहुंचती है, हाँ। तो आस्था का कोई पैमाना तो है नहीं, नहीं। अब आस्था तो बहुत बड़ा हुई, अब किसी को आप कुछ बात कहते हैं उसको सपोर्टर नहीं है, विरोधी है, तो कह दे कि मेरी आस्था पर चोट लग गई, मतलब एकदम मैंने अंधविश्वास मतलब को पुष्ट करने का भी, हाँ। आस्था बन गया एक ढाल, हाँ ढाल समाज में जो गैर बराबरी है, हाँ, उसको हाँ। बनाए रखने के लिए आस्था बन गया एक हथियार, अगर हाँ। आपने कहा मुझे भूख लगी है, आपने कहा कि भाई देखिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, अरे तुमने मेरी आस्था को भंग कर दिया जी, नहीं वो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन
मामला ऐसा ही कुछ है, छोटे छोटे मुद्दे के लिए जैसे आवाज़ उठाया जाए जी जी जी, तो जो जिनका हित प्रभावित हो रहा है ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई आजकल हो रहा है किसी मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है कि किसी मंदिर में जाकर नमाज पढ़ रहा था, तो कहीं बोर्ड पे आ रहे हैं कि आप इस मंदिर में फलाना आदमी घुस नहीं सकता है, दलितों को तो मंदिर में जाने से अभी भी रोका जा रहा है, तो ये चल रहा है भगवान जी। वो तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप आज जाति के खिलाफ में आवाज़ उठाइए जाति व्यवस्था के खिलाफ में, तो आपको दूसरे ढंग से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाएगा जी बिल्कुल। तो ये जो हुआ है ये सब तो गलत। अच्छा ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं। ज्योतिबा फूले की बात हो और सावित्री बाई फूले की बात ना हो तो ये भी थोड़ा सा बहुत ही अधूरा लगता है और ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने सावित्री बाई फूले ने सबसे पहले महिलाओं के लिए, खासकर जो वंचित समाज की जो महिलाएँ थी उसके लिए उन्होंने स्कूल खोला और स्कूल खोलने पर उन पर ज़बरदस्त मुखालफत हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि 1848 में जब कार्ल मार्क्स साहब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे तो यहाँ भी एक इनकलाब हो रहा था, यहाँ भी क्रांति हो रही थी। और फूले जी की जो वाइफ हैं सावित्री बाई फूले, उन्होंने कहा बहुत सारे अपनी कविताओं में कि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर गहना है तो शिक्षा ही है। तो उनके योगदान के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो जरा। सबसे बड़ी बात है कि जब वो उनका शादी हुआ था बचपन में, 8 साल की थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी की बेजाबता बच्चियों को पढ़ाने के लिए, खुद शिक्षित हुई इस उद्देश्य से कि मुझे कुछ करना है, बच्चियों को आगे बढ़ाना है, समाज में सुधार लाना है, इसके लिए उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण की। और फिर उन्होंने बच्चियों के लिए अपने, उनका कहा जाता है कि 2 साड़ियाँ लेकर के जाती थी और 1 साड़ी उनके माने रास्ते में उन पर कीचड़ उछाला जाता था, फपतियाँ कसी जाती थी, बहुत सारी बुरी बातें की जाती थी, बर्ताव किया जाता था, वो सब सह करके उस समय जबकि इतनी जागरूकता नहीं थी, इतना माने जागरूक माइंड की थी कि सारी माने परेशानियों को झेल करके उन्होंने शिक्षा के लिए आगे काम किया, तो बहुत बड़ी वो। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि पहला, जैसा मैं जो जितना इतिहास जानता हूँ कि शुरू में बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि शुरू में भले ही स्कूल वंचित महिलाओं के लिए पहले शुरू किया गया था लेकिन बाद में तमाम समुदाय और धर्म के जो महिलाएं थी उनके लिए भी शिक्षा मुहैया कराया गया उनके स्कूल में, पाठशाला में। अच्छा एक चीज़ और बताइए भगवान जी कि ये बात सही है ना कि मतलब वो स्कूल के दरवाजे किसी वर्ग विशेष किसी जाति, बाद में जब संख्या बढ़ी तो सारे लोगों को सारे, तो ये भी बहुत संकीर्ण बात है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सावित्री बाई फूले कैसे हो सकती हैं, ये तो मतलब पिछड़ों की हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सबके लिए। आप देखें कि शिक्षा जो है तो कहा, ये विवेकानंद का एक है बहुत ज्यादा नहीं कि विवेकानंद का कि यदि योग्यता की बात है तो जो योग है वो तो शिक्षित हो ही जाएंगे, जो अयोग्य हैं जिनको जल्दी शिक्षा नहीं, शिक्षित नहीं हो पाते जी, जी। उनके लिए प्रयास करने की जरूरत है। हमारा फोकस सबसे ज्यादा उन पर होना चाहिए, माने कहने का मतलब जहां तो सबसे ज्यादा जरूरत है, हाँ जो वहां सबसे पहले काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो इस स्तर पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको तो अवश्य ही माना जाना चाहिए। वो तो अपनी सोच हो गई, लेकिन जो वास्तविक जो है कि कहा जाता है कि आपका पैमाना जो है वो कहाँ से देखना चाहिए, तो जो गरीब तबका है सबसे निचले स्तर पर पायदान पर जो खड़ा है उसके विकास से देश की विकास मापी जाती है। वैसे ही शिक्षा जो है, समाज सुधार जो है, महिला और उसमें भी हाँ, दलित महिला सोच लीजिए जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है और अपने पुरुष वर्चस्व में भी वो दलित दमित है, दो तरह का मतलब अपने जाति का भी चक्कर है, जाति का भी मर्दवाद का भी, मर्दवाद का भी है, और उस में तो सबसे निचला तबका तो वही है और उसके लिए उन्होंने काम किया तो बहुत बड़ा चीज है। तो मतलब ये समाज जो है ना वो अभी खुले दिल से जो ऊपर जी खासकर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा एक चीज और बताइए, सावित्री बाई फूले के अलावा आपको फातिमा शेख का भी नाम आ रहा है आजकल और हम लोग भी सुने हैं कि वो भी उनके साथ, उनकी दोस्त थी, उनके साथ शिक्षा के लिए काम की हैं। लेकिन मैंने भी भगवान जी, मैंने भी उनके बारे में कुछ पंफलेट, कुछ लिटरेचर पाने की कोशिश की सावित्री बाई फूले के बारे में,
लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं कुछ उनका, आपको कुछ मिला है क्या? कौन थी सावित्री बाई, सॉरी फातिमा शेख क्या थी, क्या उनका योगदान था? ना ना उस ढंग का कुछ अभी तक रिसर्च इस पर नहीं। आप क्या फातिमा शेख के बारे में जानती हैं, जरा वो बता दीजिए। मैं भी वही थोड़ा जानता हूँ कि उनका सहयोगी थी, उन्होंने उनके साथ काम किया मगर बहुत ज्यादा लिटरेचर हमें नहीं हो सकता, कहीं मराठी में हो कुछ हम लोग। अच्छा एक चीज और बताइए, फूले जी जो थे उस जमाने में राइट्स ऑफ मैन जो लिखा गया था थॉमस पेन और हाँ उससे वो कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्रभावित वो रहा। क्या किताब थी जरा तो, मतलब देखिए आज के जमाने में आजकल क्या चल रहा है हवा कि अरे देसी वर्सेस विदेशी। हाँ लेकिन उस जमाने में देखिए जब उस तरह से इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में इस तरह से कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, वो थॉमस पेन की किताब थी ना राइट्स ऑफ मैन, उसको भी वो पढ़े हैं शायद, उसके ऊपर भी कुछ उन्होंने कहा है, जरा बताइए आप। उनका जब ईसाई मिशन जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि मैंने एक माली जाति के लड़के को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो कुछ वहाँ के जो कट्टरपंथी तत्व थे उनके फादर पर प्रेशर बनाए और उनको स्कूल से नाम काट करके हटा दिया गया। फिर एक पादरी से उनकी मुलाकात हुई आ एक मुस्लिम टीचर थे, उन्होंने दोनों ने मिल करके उनके फादर को समझाया और फिर उन लोगों ने कि ईसाई मिशनरी में उनका नाम लिखवाया पढ़ने के लिए, तो वहाँ उन्हें ये सब किताबें पढ़ने की मिली और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। मतलब तो ईसाई मिशनरी के मैंने पढ़ते दौरान तो वहीं ये सब किताब उनको पढ़ने और शायद शायद अमेरिकन रिवॉल्यूशन से भी काफ़ी प्रभावित। हाँ तो वहीं उनको परिचय वहाँ के जो टीचर थे जी, 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 तो उनके थ्रू उनको परिचय हुआ और गुलामगिरी जो था उसको उन्होंने किया है उसके डेडिकेट किया। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए, किसानों का आंदोलन चल रहा है और आप सब लोगों को पता है कि किसान जो हैं वो इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उनकी फसल को खरीदे, उनको बर्बाद ना होने दे, उनको बाज़ार के हवाले ना करें, और किसान की समस्या आर्थिक जब उदारीकरण हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, तब से बिगड़ता ही चला गया है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है, आज कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। ये साहब जो थे फूले साहब ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर उस समय लगान और टैक्स को लेकर भी कुछ कहा, तो वो क्यों उनकी बातें फूले जी की अगर कुछ बातें आज के दौर में रेलेवेंट हो तो कुछ भी बता दीजिए। उनका उस समय भी था कि जो लगान है चाहे वो जो टैक्स है सरकार कम से कम करे, या उनका जैसे आज भी है कि किसानों के लिए बाजार मुहैया कराया जाए, बिचौलिए से उनकी सुरक्षा की जाए, उनके फसल का उचित दाम मिले, तो उस समय भी ये समस्या थी। क्या उस जमाने में मुझे याद नहीं, ये अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, अंग्रेजों सरकार।